हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केसन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली ऐसी बाइकों के बारे में जो आपको एक से दो महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी अपनी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन सभी बाइकों का इंतजार काफी लंबे टाइम से और काफी बेसब्री से करा जा रहा है, इसीलिए काफी सारे लोग इन बाइकों को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी बाइकें ली हैं उन सभी बाइकों का लॉन्च होना कन्फर्म हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं ये सभी बाइकें कब तक होंगी लॉन्च, क्या रखा जाएगा इन बाइकों का प्राइस और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन सभी बाइकों में। इसीलिए अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी न्यू बाइक को परचेज करने वाले हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम 160R के 2021 के मॉडल के बारे में। इस बाइक को फिलहाल में ही हीरो मोटोकॉर्प ने टीज कर दिया है पूरी सोशल मीडिया पर और ये बाइक आपको दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे जो बाइक के टेक्निकल फीचर्स है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं, लेकिन जो बाइक के कलर्स और ग्राफिक्स होने वाले हैं उसमें आपको काफी चेंज देखने को मिलेगा। एक तरह से कहा जाए तो हीरो इस बाइक को थोड़ी सी और ज्यादा प्रीमियम बाइक बना रही है। तो बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर। और लॉन्च होने के बाद इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,15,000 से 1,20,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। अगली बाइक है दोस्तों बजाज की तरफ से 2021 मॉडल ऑफ डोमिनार 400। इस बाइक की इंडियन टू व्हीलर मार्केट में टेस्ट राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये बाइक भी आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं 2021 डोमिनार 400 में आने वाले चेंजेस के बारे में कि आखिर बाइक में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या बाइक की पावर को इंक्रीज करा जाएगा या नहीं। डोमिनार 400 न्यू मॉडल के डिजाइन को दोस्तों 20 से 30% चेंज करा जाएगा और आपको बजाज की तरफ से नए कलर्स भी देखने को मिलेंगे बजाज डोमिनार 400 में। और बाइक के बॉडी पार्ट को थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम और मस्कुलर करा जाएगा, जिससे ये बाइक दोस्तों थोड़ी सी और ज्यादा स्पोर्टी कैटेगरी की क्रूजर बाइक लग सके। और इस बाइक के साथ साथ आपको बजाज डोमिनार 250 का भी नया मॉडल देखने को मिलेगा, उसमें भी दोस्तों सभी सेम चेंजेस करे जाएंगे जो आपको बजाज डोमिनार 400 में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। इंजन को दोस्तों सेम रखा जाएगा, पुराने वाला ही आपको इंजन देखने को मिलेगा बजाज डोमिनार 400 में, लेकिन अब की बार पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाएगा। जो पावर अभी आपको 40 BHP की देखने को मिलती है वो हो सकता है आपको दोस्तों 42 से 43 BHP की देखने को मिले 2021 बजाज डोमिनार 400 में। इंजन बेशक दोस्तों पुराना होगा लेकिन पहले वाली डोमिनार 400 से काफी बेटर होगा ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में। और बात रही दोस्तों बाइक के फीचर्स की, तो आपको 2021 बजाज डोमिनार 400 में बेटर कंसोल देखने को मिलेगा कंपैरिजन में पुरानी वाली डोमिनार के। कंसोल के साइज को थोड़ा सा बड़ा करा जाएगा और अब की बार आपको दोस्तों गियर पोजीशन इंडिकेटर मेन कंसोल में देखने को मिल सकता है। और बात रही बाइक के डायमेंशन की, तो अब की बार सीट हाइट को थोड़ा सा कम करा जाएगा ताकि ये बाइक एक प्रॉपर क्रूजर बाइक का लुक दे सके। और बात रही बाइक के सस्पेंशन की, तो आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में 43mm के USD फोक देखने को मिलेंगे और बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा जो कि फिलहाल में दोस्तों यूज करा जा रहा है डोमिनार 400 में। तो ये है दोस्तों कुछ मेजर चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे 2021 बजाज डोमिनार 400 में और 2021 बजाज डोमिनार 250 में। तो चलिए फाइनली अब हम बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में और बाइक के लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या नया प्राइस रखा जाएगा उसके बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग डेज में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,20,000 से 2,30,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड इंश्योरेंस ऑटो लगाकर ये बाइक 2,50,000 से 2,60,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। अगली बाइक है दोस्तों कावासाकी की तरफ से आने वाली कावासाकी W175। इस बाइक की भी दोस्तों टेस्ट राइडिंग स्टार्ट हो चुकी थी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, तो ये बाइक भी आपको 2021 के एंड से पहले लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं कावासाकी W175 के बारे में। इस बाइक में 177cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 BHP की 7,500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.2 न्यूटन मीटर का 6,500 RPM पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये बाइक 115 से 120 किलोमीटर पर आ तक की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसमें फुल्ली एनालॉग होगा ओल्ड स्टाइल वाला, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में डुअल एडजस्टेबल शॉक अब्सॉर्बर रहेंगे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा बेटर रहने वाले हैं
अगर आप इस बाइक को थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग के लिए भी यूज करते हो। बाकी दोस्तों इंडोनेशियन मार्केट में इस बाइक के दो तीन मॉडल अवेलेबल है, लेकिन जब ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करी जाएगी तो इस बाइक का सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च करा जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों कावासाकी W175 का SC वाला मॉडल लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में। तो बात करें बाइक के लाइटनिंग के बारे में, तो इसके फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको बाइक के सभी पार्ट में LED लाइट का काम देखने को मिलेगा कावासाकी की तरफ से। और कावासाकी W175 के टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट का टायर होगा 80x100 mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 100x90 mm का। टायर इसमें ज्यादा वाइड नहीं होंगे, लेकिन मोर देन इनफ होंगे इंडियन रोड्स के लिए। और बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का दोस्तों कवेट होगा 126 kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा निम्बल होगी सिटी राइडिंग के लिए। 165 mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इसकी सीट हाइट होगी 780 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको दोस्तों बाइक में 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। और हाईवे राइडिंग पर आपको ये बाइक 45 प्लस का माइलेज भी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं कावासाकी W175 के लॉन्च के बारे में और इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों ये बाइक आपको फेस्टिवल सीजन में यानी कि अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 150,000 से 170,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड ये बाइक 180,000 से 190,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अगली बाइक है इंडियन टू व्हीलर मार्केट की मोस्ट अवेटेड ट्विन सिलेंडर बाइक बेनेली TNT 302S। दोस्तों इस बाइक का इंतजार भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी लंबे टाइम से और काफी बेसब्री से करा जा रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बाइक आपको नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी बेनेली की तरफ से। और दोस्तों इस बाइक के साथ साथ बेनेली की और भी बाकी बाइकें लॉन्च होगी जिनको पहले इंडियन टू व्हीलर मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो दोस्तों फिलहाल में हम बात करते हैं बेनेली TNT 302S के बारे में। बाइक में दोस्तों 300cc का लिक्विड कूल्ड इनलेट ट्विन सिलेंडर DOSC इंजन का यूज किया जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 30.06 bhp की 11,000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 25.6 न्यूटन मीटर का 9,750 rpm पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये 302S 160 से 170 किलोमीटर पर आर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स की, तो आपको इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS दोस्तों रहेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। और बाइक में बड़े साइज का आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ABS, लाइट टाइम एंड फ्यूल गेज जैसे सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। बाकी बाइक के एडिशनल फीचर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये बाइक फीचर्स की वजह से नहीं जानी जाती, ये बाइक जानी जाती है अपने एग्जॉस्ट नॉट की वजह से, जो कि दोस्तों काफी लाउड होने वाला है इस बाइक में भी। बाकी बाइक के सस्पेंशन में हर बार की तरह आपको इसके फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक देखने को मिलेंगे और इसके रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। लेकिन अब की बार दोस्तों आपको बाइक में फुल्ली LED लाइटनिंग देखने को मिलेगी बेनेली की तरफ से बाइक के हर पार्ट में। और एक बार इस बाइक के राइवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जब ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो दोस्तों ये बाइक इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी KTM ड्यूक 390 से, बजाज डोमिनर 400 से और BMW G310R से। बाकी बाइक के डायमेंशन के बारे में बात करें तो आपको इसमें दोस्तों 209 kg का कवेट देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा हैवी हो जाता है बाइक के हिसाब से। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें होगी 165 mm की और सीट हाइट होगी 785 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी 14 लीटर की और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। जब ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 330,000 से 350,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर, जो कि दोस्तों आपको ऑन रोड ये बाइक 370,000 से 380,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। अगली बाइक है दोस्तों कावासाकी की तरफ से एक और बाइक, जो आपको नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी अपनी इंडियन मार्केट में। इस बाइक को दोस्तों फिलहाल में ही रिवील करा गया है और ये बाइक आने वाले कुछ ही महीनों में पूरी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी। तो चलिए बात करते हैं कावासाकी Z650RS के बारे में। इस बाइक में दोस्तों सेम इंजन यूज किया जाएगा जो आपको Z650 में देखने को मिलता है। ये इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 68 bhp की 8,000 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 64 न्यूटन मीटर का 6,700 rpm पर। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS रहेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। और बाइक के एडिशनल फीचर में आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे कावासाकी की तरफ से। और बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक का यूज किया जाएगा और रियर पार्ट में हॉरिजॉन्टली माउंटेड शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। बाइक में दोस्तों लाइटिंग पूरी तरह से ऑल LED रहने वाली है, आपको कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाइक में। और बात करें बाइक के डायमेंशन की, तो इस बाइक का कवेट होगा 187 kg का, 125 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 820 mm की,
जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। और बाइक में दोस्तों आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। जब ये बाइक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में तो इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 7,50,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली बाइकों के बारे में, जो आपको 1 से 2 महीनों के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप इन सभी बाइकों में से कौन सी बाइक का इंतजार कर रहे हो और आप आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।